हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हूज जीरोज इज जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन, हेंस फाइंड द जीरोज। कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज का सम कितना है, जीरो है, और जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन है। और देन आपको लास्ट में क्या करना है, उन जीरोज को फाइंड भी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मैंने नोट लिखा हुआ है, इसे देखते हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि जो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसको हमने सपोज कर लिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने कहा कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर एक्स की हाइएस्ट पावर यानी कि टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स बी द जीरो आर बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। कि अल्फा बीटा हमने दो रियल नंबर माने जो हमने कहा कि इस ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके क्या हैं, जीरोज हैं। तो देन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज होंगे तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो देन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं। तो जब फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके सिक्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं टू एंड थ्री, जब टू और थ्री को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, सिक्स, यानी कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो नंबर मिल जाता है। तो उसी तरह से क्या होगा कि जब पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप इसे कैसे लिख सकते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब स्टूडेंट्स, हमें गिवन है कि देखिए जीरोज़ का सम कितना है, जीरो है, और जीरोज़ का प्रोडक्ट कितना है, माइनस वन है। तो यहाँ से है हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो गिवन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस वन गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ हो जाएगा जीरो इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दो हो गया आपका, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म जीरो हो गया, और प्लस वन के माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आ जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो कि हमें मिल चुका है, जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हमें मिल चुका है। अब स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको कि यहाँ पर जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है लास्ट में, हैंस फाइंड द जीरोज, कि जीरोज को सेपरेटली आपको फाइंड करना है। तो देखिए, फिर अगेन देखिए, अगेन हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, जीरो, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस वन। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, क्योंकि बीटा इक्वल के उस साइड जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बीटा। अल्फा की ये वैल्यू आप इस दूसरे वाले जो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली रिलेशन है इस पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अल्फा की अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस वन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बीटा, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन। यहाँ से माइनस बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा तो फाइनली बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन हुआ, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वन, और रूट वन का जो रूट होता है वो वन ही होता है। अब ये जो बीटा की वैल्यू है, देखिए बीटा की वैल्यू जो हमें मिल गई फाइनली वो कितनी मिल गई, वन। ये बीटा की वैल्यू आप पहली वाली रिलेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस, और बीटा की वैल्यू हमने वन पुट करी तो वन इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन। तो अल्फा भी मिल गया हमें और बीटा भी मिल गया, और अल्फा बीटा को हमने क्या कहा था कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर विद द जीरोज ऑफ पी एक्स, इसी अल्फा बीटा को हमने जीरोज माने थे। तो अल्फा, देखिए हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल भी मिल गया, हमें पहला जीरो भी मिल गया, और हमें दूसरा जीरो भी मिल गया। आई होप स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।